दोस्तों के साथ पार्टियां और इवेंट अटेंड करने में बिजी हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट रश्मि देसाई। बिग बॉस से निकलने के बाद उनकी फ्रेंड फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उनकी हर एक खबर जानना चाहते हैं। इस बीच पता चला कि रश्मि देसाई को सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ में ही दुख नहीं पहुंचा, बल्कि इंडस्ट्री से भी उन्हें जो दुख मिले उसे वो जिंदगी में नहीं भुला सकती। जी हाँ, हर नई एक्ट्रेस की तरह रश्मि का भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की गई। उस दिन शायद रश्मि मुंह दिखाने लायक नहीं होती अगर उनकी माँ टाइम से नहीं पहुँचती। दरअसल एक इंटरव्यू में रश्मि ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का शिकार होना आम बात है। रश्मि ने बताया कि जब मैं 16 साल की थी तभी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी थी। रश्मि ने बताया कि सूरज नाम के एक शख्स ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन वो शख्स ये जरूर जानता था कि मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ। उस शख्स ने रश्मि से कहा कि तुम्हें बालाजी और यश राज में काम मिल जाएगा, कल इंटरव्यू के लिए आना होगा। रश्मि ने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी और सुबह टाइम से जब वहां पहुंची तो देखा वहां उनके अलावा कोई और नहीं था, ना ही कोई कैमरा और ना ही कोई इंसान। रश्मि को तभी कुछ अजीब लगने लगा जब उस शख्स ने उनसे ड्रिंक पीने के लिए कहा। रश्मि के मना करने के बाद भी वो शख्स उन्हें ड्रिंक पीने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। रश्मि का कहना है कि उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रखा था और वो मुझे बेहोश करने की पूरी प्लानिंग में था। रश्मि ने कहा, जैसे तैसे मैंने अपनी माँ को कॉल किया और दूसरे दिन जब मैं गई तो उन्होंने सीधे उसके एक थप्पड़ जड़ा। रश्मि आज भी इस हादसे को याद कर रोती है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।